ये तो सभी जानते हैं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान के बारे में भी हर कोई जानता है, पर इसकी लत इतनी बुरी है कि ये छोड़े नहीं छूटती। सिगरेट का ज्यादा और लगातार उपयोग करने से शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसके दुष्परिणाम के कारण लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इन सब के बीच चीन से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर एक व्यक्ति पिछले 30 साल से सिगरेट पी रहा था। अब इस व्यक्ति का शरीर पीला पड़ चुका है। चीन के जियांगशू प्रांत के रहने वाले 60 साल के शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स का शरीर का रंग बिल्कुल बदल चुका है। दिखने में ये ऐसे नजर आता है जैसे कि अपने ऊपर पीले रंग का पेंट करा लिया हो। डॉक्टरों ने उसे जॉन्डिस बताया। इस बीमारी के कारण आंखों का सफेद हिस्सा भी पीला पड़ चुका है। खबरों के अनुसार पीले रंग के बिलीरुबिना उसके शरीर में जमा हो गए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो डॉक्टर ने इस व्यक्ति के अग्नियाशय में ट्यूमर बताया है। यह ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है कि जिसके कारण पित्त नलिकाएं बंद हो गई है। इसके बाद वह जॉन्डिस की चपेट में आ गए। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा सिगरेट पीने के कारण इस व्यक्ति की कोशिकाओं का साइज सामान्य से बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके चलते ही उसकी ये हालत हुई है। डॉक्टरों ने आगे बताया कि इसके शरीर में एक और ट्यूमर भी पनप रहा है। उसे जिंदा रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल बदलाव करने पड़ेंगे। अगर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो ध्यान रहे, अगर आपको भी इस तरह की लत है या कई सालों से आप भी सिगरेट का सेवन करते हैं, तो आज ही से सावधानियां बरतनी शुरू करनी होगी ताकि आपको भी किसी तरह का नुकसान न हो।